नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत नजदीक है और उसके फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आपस में भिड़ने वाले हैं और उसको लेकर ऋषभ पंत ने बयान साझा किया है जिसे देखकर जरूर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अंदर डर पैदा हो जाएगा। तो क्या कहा ऋषभ पंत ने बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं ऋषभ पंत के फैन तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 जून से भारत को न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारत चाहेगा कि न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लिया जाए। वहीं न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि भारत को एक तगड़ी टक्कर दी जाए और भारत को एक बार फिर से बाहर कर दिया जाए। दोस्तों, विराट कोहली अब की बार पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। वहीं अब बात करेंगे अगर ऋषभ पंत की, तो मैं ऋषभ पंत तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। हाल ही में उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जिससे उनकी आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अभी उन्होंने आईपीएल में कप्तानी भी की जिसको सभी एक्सपर्ट द्वारा खूब सराहा गया। दोस्तों, इसको लेकर ऋषभ पंत ने अब कहा कि वह फाइनल में किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने बताया कि वह फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस बार उनका विकेट कोई गेंदबाज नहीं ले पाएगा और वह फाइनल को अपने दम पर अकेले जिता के भारत की झोली में डालने वाले हैं। ऐसा कहने के बाद ऋषभ पंत ने ऐसा दिखाया कि अब फाइनल इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि अगर ऋषभ पंत इतने रन बनाते हैं तो वह तेज रन बनाएंगे जिससे भारत को बहुत फायदा होगा और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएगा और विराट कोहली को अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसमें ऋषभ पंत का हाथ होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और जब विकेट कीपर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो खेलने वाली टीम को काफी फायदा होता है और फायदा भारत को भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का मुकाबला जीतेगा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऋषभ पंत के फैन तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।